java.io.writerClass. What is writer class? What is the use of writer class? I shall tell you. The writer class is an abstract class for writing to character stream. ये राइटर क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और कैरेक्टर स्ट्रिंग को हमें लिखने के लिए होता है। वी कैन यूज राइटर क्लास टू राइट कैरेक्टर डाटा टू द फाइल। इसी फाइल में हमें कैरेक्टर डाटा लिखना होगा तो वी यूज द राइटर क्लास। तो यहाँ ये कैरेक्टर क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन java.io पैकेज। डिक्लेरेशन देखिए, तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास राइटर एक्सटेंड किसे किया है? ऑब्जेक्ट क्लास को। इम्प्लीमेंट अपेंडेबल, क्लोजेबल एंड फ्लशेबल। इंटरफेस को क्या है? इम्प्लीमेंट किया है। राइटर क्लास इज पेरेंट क्लास ऑफ आउटपुट स्ट्रीम राइटर, बफर्ड राइटर, फाइल राइटर, प्रिंट राइटर एंड इट इज। तो देखिए, यानी कि इन जो सभी क्लासेस है ना, आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड राइटर, फाइल राइटर, इनका क्या है? पेरेंट क्लास, पेरेंट है। तो राइटर क्लास इज चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास और इसके नहीं क्या चाइल्ड क्लास, राइटर क्लास के चाइल्ड क्लास कौन से है? ये सभी नहीं क्या है? चाइल्ड क्लास है। तो कौन से? आउटपुट स्ट्रीम राइटर, बफर्ड राइटर, कैर अरे राइटर, स्ट्रीम राइटर, पाइप राइटर, फिल्टर राइटर, प्रिंट राइटर, ये सभी क्या है? चाइल्ड क्लास ऑफ राइटर क्लास। राइटर क्लास के मेथड, फर्स्ट मेथड है राइट मेथड। राइटर क्लास हम राइटिंग के लिए यूज करने वाले, तो उसमें मेथड कौन से होगी? राइट ही होगी। तो राइट मेथड विथ पैरामीटर इंट सीएच। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर लिखना होगा ना, देन वी विल यूज द राइट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज अ राइट मेथड विथ पैरामीटर कैर अरे। अगर हमें कोई कैर अरे लिखना होगा तो इट राइट्स एन अरे ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हमें अरे लिखने के लिए यूज होगा राइट मेथड। देन नेक्स्ट मेथड इज अ राइट मेथड विथ स्ट्रिंग स्ट्रिंग पैरामीटर, इट राइट्स अ स्ट्रिंग टू द फाइल। नेक्स्ट मेथड इज अ अपेंड मेथड। ठीक है, तो ये अपेंड मेथड क्या करेगा? स्पेसिफाइड कैरेक्टर, इसमें क्या है पैरामीटर, क्या है कैरेक्टर। अगर हमें स्पेसिफाइड कैरेक्टर क्या है अपेंड करना है, देन वी विल यूज द अपेंड मेथड। देन नेक्स्ट मेथड इज अ फ्लश मेथड। इसका प्रोटोटाइप देखिए, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड फ्लश। तो अगर कोई ने क्या कैरेक्टर स्ट्रिंग में अटक गया होगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ने क्या, ये जो है ना, यहाँ पे हमारा ने क्या स्ट्रिंग अटक गया होगा। सपोज जो ने कैरेक्टर स्ट्रिंग में ना, इसमें कोई स्ट्रिंग अटक गया होगा, कोई वर्ड अटक गया होगा, स्टक हो गया होगा, तो उसे ने क्या फ्लश करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा फ्लश मेथड। ओके, तो हम यहाँ पे फ्लश मेथड देंगे। देन नेक्स्ट मेथड इज अ क्लोज मेथड, पब्लिक वाइड क्लोज। तो इट क्लोजेज द स्ट्रीम एंड फ्लशिंग इट फर्स्ट। तो ये क्या करेगा, जो हमारा डाटा ने क्या फ्लो हो रहा है, ये कैरेक्टर स्ट्रीम है। ओके, कैरेक्टर स्ट्रीम में कैरेक्टर ने क्या फ्लो होगा, अगर हमें क्लोज करना है जो फ्लो हो रहा है ना, इसे जो हमने ओपन किया इसे क्लोज करना है, देन वी यूज द क्लोज मेथड। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर क्लास। तो इसके हमने क्या सभी चाइल्ड क्लासेस क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले।